बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। हेलो डार्लिंग्स, इट्स शो टाइम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आमिर खान, आमिर मामू की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के शूट के बारे में, एंड पैन इंडिया स्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म राधे श्याम के शूट के बारे में। अपडेट्स थोड़ी ज्यादा है इसलिए दोनों फिल्मों के अपडेट्स एक ही एपिसोड में क्लब किया है। चलिए गाइस, शुरू करते हैं लाल सिंह चड्ढा के साथ। फ्रेंड्स, सभी लोगों को पता है लाल सिंह चड्ढा का एक छोटा सा पैचवर्क था जो कि आमिर खान ने मुंबई में शुरू किया था, जिसकी मैंने अपडेट आपको दी, सेट से एक्सक्लूसिव अपडेट्स भी लाके दी अबाउट हिज मिलिट्री यूनिफॉर्म, अबाउट इज यूनिफॉर्म ऑफ अ स्कूल। ये सारी की सारी वीडियोज मैंने आपको बना के बताई थी। अब गाइज, मुद्दा यह था कि शूट होने वाली थी इन लोगों की वहां पर जाके लद्दाख में। वॉर सीक्वेंस है जहां पे नाग चैतन्य, जो यू नो नागार्जुन जी के पुत्र है, वो उनको ज्वाइन करने वाले थे, वो शूट पोस्टपोन हो गई थी। मैंने आपको ये भी कहा था कि 35-40 दिन का स्केड्यूल जो है वो 25 दिन का कट डाउन कर दिया गया है, एंड जुलाई के वीक में यानी कि फर्स्ट वीक में वो लोग वहां पर जाएंगे। प्लान में थोड़ा चेंज रहने का बाबा। पर फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह ही पूरा का पूरा 32 लोगों का, यस फ्रेंड्स, 32 लोगों का एक्शन क्रू, इंक्लूडिंग यू नो स्टंट आर्टिस्ट एंड पीपल परफॉर्म द स्टंट्स, वहां बहुत भव्य वॉर सीक्वेंस होने वाला है। ऑब्वियसली रहेंगे 60-70 लोग, लेकिन VFX के द्वारा उसको इनहेंस करके 300-400 लोग बताएंगे। वॉर सीक्वेंस बहुत सारा रनिंग चेस सीक्वेंस होने वाला है, भागम दौड़ी होने वाली है। वॉर में भागते हुए दिखाया जाएगा मिलिट्री को वहां पे, बहुत ही एक्सटेंसिव वहां पर फिजिकल एंड यू नो ट्रेनिंग होने वाली है इनकी, एंड पूरा का पूरा क्रू जो है आज मुंबई से श्रीनगर, यस फ्रेंड्स, मुंबई से श्रीनगर रवाना हुआ है आज इंडिगो की फ्लाइट से, एंड 32 पीपल हैव गॉन ओवर देयर, एंड वहां से ये सारा का सारा क्रू जो है वो लद्दाख जाएगा, एंड वहां पर लाल सिंह चड्ढा की जो शूटिंग है उसकी शुरुआत होगी जुलाई के फर्स्ट वीक में। लेट्स सी आमिर मामू कब जाते हैं, जैसे वो जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। ओके गाइस, सो दिस वाज द अपडेट ऑफ लाल सिंह चड्ढा। अब बात करते हैं पेर साहो यानी कि प्रभास के बारे में। माय फ्रेंड्स, प्रभास हैज मेड इट क्लियर कि अब वो राधे श्याम को पहले कंप्लीट करेंगे, एंड जब तक ये खत्म नहीं होता मैं दूसरी पिक्चर की शूटिंग शुरू नहीं करूंगा। इसलिए गाइज, हैदराबाद में वर्चुअल प्रोडक्शन के बारे में जानना है क्या होता है, अनरियल इंजन, ये सब सारे टर्म्स जो है आप लोग मेरा पठान का एपिसोड देख सकते हो जहां पे मैंने आपको वर्चुअल प्रोडक्शन के बारे में बताया है। अब गाइज, वर्चुअल प्रोडक्शन इज नथिंग बट अ क्रोमा स्क्रीन बिहाइंड, एंड उसमें पूरा का पूरा एक यू नो एक स्क्रीन रहता है जहां पे इमेजेस मूव होती रहती है एंड यू शूट इन फ्रंट ऑफ देम। अब गाइज, या इसका डायरेक्टर है इस पिक्चर का राधा कृष्ण, उसने यहाँ पे एक पिक्चर पोस्ट की है। अब गाइज, ये सीन में आप देख सकते हो एक विंटेज ब्लू कार है जो वहां पे खड़ी है, इसके पीछे एक यू नो पूरा ग्रीन क्रोमा है, मल्टीपल क्रोमा स्क्रीन्स हैव बीन पुट अप देयर, देयर इज अ ब्लू, देयर इज अ ग्रीन क्रोमा स्क्रीन, एंड वहां पर पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म लगाया गया है, साफ सफाई होते हुए दिखाई दे रही है। एक क्रेन जो है वो इस कार को यहाँ पर अटैच्ड है, क्या एक्सीडेंट सीक्वेंस शूट हो रहा है, क्योंकि गाड़ी में कांच भी फूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आगे का बोनट है वो भी खुला हुआ दिखाई दे रहा है, क्या एक्सीडेंट सीक्वेंस है, किसका एक्सीडेंट हुआ है, क्या है। ये फिल्म जितनी सरल दिख रही है राधे श्याम उतनी नहीं है। इट मे बी एन इवेंट फिल्म बेस्ड ऑन सम इंसिडेंट, इसके बारे में बता नहीं सकता मैं आपको, लेकिन राधे श्याम इज नॉट व्हाट इट मीट्स द आई, इट इज नॉट अ प्लेन वेनिला फिल्म, इट्स गोना बी समथिंग अनरियल इन दिस फिल्म। देख सकते हो गाइस, यहाँ पे बहुत बड़ा भव्य सेट लगाया है, तो इसकी शूटिंग अब प्रभास इज डूइंग राइट नाउ विद द डायरेक्टर, इसका सेट का एक लुक दिया है, एंड पूजा हेगड़े जो फिल्म की हीरोइन है, शी हैज स्टार्टेड हर डांस रिहर्सल्स फॉर बीस्ट। यस फ्रेंड्स, सलापति विजय की जो फिल्म है बीस्ट के जो पोस्टर्स आए थे मैंने आपको बताए थे, उसके डांस रिहर्सल्स, शी इज वेयरिंग अ स्ट्रेंजर थिंग्स टी शर्ट एंड शी इज स्टार्टेड द डांस रिहर्सल्स फॉर बीस्ट। ओके गाइस, आई थिंक 3 अपडेट्स इन दिस वीडियो, देखिए मजा आएगा। सिमरन अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, एंड देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।